सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा के बारे में। गुरु पूर्णिमा को जो है व्यास पूर्णिमा और आषाढ़ी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और गुरु पूर्णिमा जो है आने वाली 3 जुलाई दिन सोमवार को पड़ेगी। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्षी पूर्णिमा को जो है गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और यह पर्व जो है महर्षि वेदव्यास जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन वेदों के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। पूर्णिमा तिथि इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा पर लोग जो है अपने गुरुओं को उपहार देते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं और वेद व्यास जी को जो है समस्त मानव जाति का गुरु माना गया है। वेद व्यास जी का पूरा नाम महर्षि वेद व्यास हैं और इसी दिन से जो है ऋतुओं का आरंभ हो जाता है और आषाढ़ मास की समाप्ति हो जाती है। इस दिन अपने गुरु की पूजा का दिन होता है तो गुरु की पूजा करने का बड़ा महत्व है, क्योंकि गुरु को हमेशा ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में ही पूजा गया है और क्योंकि वेद व्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना गया है तो गुरु पूर्णिमा पर लोग जो है अपने गुरु को उपहार भेंट उनका आशीर्वाद लेते हैं, उन्हें कुछ दक्षिणा देते हैं। तो इसलिए अपने गुरु की इस दिन पूजा करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना पैर छू के, क्योंकि गुरु का बड़ा महत्व कहा गया है। गुरु ही वो है जो उनके बिना किसी भी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। पूर्णिमा तिथि का जो प्रारंभ है वो 2 जुलाई को शाम को 8:30 बजे होगा और इस पूर्णिमा की समाप्ति जो है 3 जुलाई को शाम 5:09 पर हो रही है। तो उदय तिथि के अनुसार 3 जुलाई को ही गुरु पूर्णिमा का यह पर्व मनाया जाएगा। पूर्णिमा का दिन जो है इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में होता है और पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का बड़ा महत्व है। किसी पवित्र नदी सरोवर या कुंड में स्नान करने के बाद जो है दान का महत्व है। इस दिन माता लक्ष्मी जी भगवान कृष्ण जी की पूजा करने का बड़ा महत्व कहा गया है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। घर में जो कुछ क्लेश है, कष्ट आदि है, वो सब कम होते हैं, क्योंकि साथ ही ये चंद्रमा का भी दिन है। इस दिन चंद्रमा पूर्ण अपने आकार में होता है तो इस दिन चंद्रमा के जो है मंत्रों का जाप करना चाहिए और शाम के समय जब चंद्रमा निकल जाए तो उसे अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने के साथ साथ जो है मंत्र जाप करना चाहिए और चंद्रमा को देखते हुए उन्हें अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर अवस्था में है तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए ये सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि महीने में एक ही बार पूर्णिमा आती है और पूर्णिमा को खास बनाने के लिए जो है चंद्रमा का पूजन बड़ा महत्व है। तो चंद्रमा की पूजा करने से जो है आपको कुंडली में जो चंद्रमा मजबूत होगा, क्योंकि चंद्रमा को किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मन का कारक कहा गया है और यदि आपका मन मजबूत होगा तभी आप किसी भी काम को करने में सक्षम होंगे, फैसले लेने में, क्योंकि कई बार देखा गया है बहुत सी कुंडलियों में कि जब चंद्रमा कमज़ोर होता है तो व्यक्ति का मन इधर उधर भागता है, उसका मन एक जगह नहीं लगता। इसलिए इस दिन दान में जो है सफ़ेद चावल, खीर, दूध आदि का दान आप कर सकते हो, सफ़ेद वस्त्र आप दान कर सकते हो, सफ़ेद वस्त्र पहन भी सकते हैं। तो इन सब को करने से जो है चंद्रमा मजबूत होगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। इस दिन माता लक्ष्मी जी की भगवान विष्णु जी के लिए जो है लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, विष्णु चालीसा लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, माता लक्ष्मी जी और विष्णु जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं, विष्णु सहस्र नाम जप का पाठ कर सकते हैं। इस दिन मन को झूठ कपट आदि दूर होना चाहिए, तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए, लहसुन प्याज का प्रयोग इस दिन नहीं करना चाहिए और बाल ब्रह्मचर्य का पालन करें जो व्रत करते हैं, क्योंकि शुद्धता से ही व्रत जो है पूरा होता है। तो ये था गुरु पूर्णिमा के बारे में जो आज आप लोगों ने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर भी कर दें ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें, और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर